सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग COVID-19 और कोरोना वायरस ओमिक्रोन का न्यू वेरिएंट JN.0.1 के बारे में कुछ बता रहे हैं। यह वायरस अभी न्यू म्यूटेंट हुआ है, अभी जो COVID-19 के डेल्टा वेरिएंट के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद ये डेवलप हुआ है। इसमें हम लोग को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी रखना जरूरत है। कैसे, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अभी ये जो वेराइटीज है, यह कोरोना वायरस के सरफेस पर जो नॉन स्पाइक प्रोटीन होता है ना, नॉन स्पाइक प्रोटीन, उसी में एक वेरिएंट होता है JN.0.1। वह उसी के अंदर एक रिसेप्टर है, एक अलग से उसमें एक प्रोटीन है, वही प्रोटीन वेरिएंट यहाँ पर अभी डेवलप हुआ है। यह वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है जो पहले वाला था, उसी तरह से ड्रॉपलेट फैलता है, क्योंकि सेम उसी तरह से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। फैक्टर भी सेम है, जो लोग कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, डायबिटीज मेलाइटस या किडनी पेशेंट या स्मोकर या कोई लंग्स का डिजीज पहले से हो, ये सब फैक्टर इसमें है जो पहले था, सेम फैक्टर अभी भी है। जब भी इम्यूनिटी अगर किसी कारण से अगर कमजोर होगा बॉडी का, तो यह वायरस अटैक कर रहा है। आने का सोर्स तो वही था, जैसे बोले यह वायरस जब हमारे बॉडी में आता है, आने के बाद ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पहले ही अटैक करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले अटैक करता है फैरिंग्स पर, नेजो फैरिंग्स, ओरो फैरिंग्स और लैरिंगो फैरिंग्स, तीनों फैरिंग्स पर अटैक करता है। उसकी वजह से क्या होता है, नेजल फैरिंग्स पर अटैक करने से कुछ नोच का सिम्टम आ जाता है, जिसमें नेजल ब्लॉकेज, कुछ नेजल डिस्चार्ज होते हैं। इसमें जो नेजल डिस्चार्ज में वाटरी से लेकर के भिस्का दोनों होते हैं, म्यूकॉइड। उसके बाद इसमें कुछ फैरिंग्स का प्रॉब्लम, सोर थ्रोट होते हैं, थ्रोट में इरिटेशन, ड्राई कफ, ऐसा पेशेंट में सिम्टम आने लगता है वहाँ पर। तो जब शुरुआत में तो इसमें आपको ड्राई कफ आवेगा, नोजल स्नीजिंग स्टार्ट होंगे, कुछ डिस्चार्ज होंगे, इसके साथ फीवर 101 से लेकर के 103 डिग्री फारेनहाइट तक इसमें फीवर आता है। इसके साथ बॉडी एक भी होते हैं और एपेटाइट भी इसमें लॉस होते हैं, हेडेक डेवलप होता है इसमें, माइल्जिया, मसल्स पेन डेवलप होता है, और बाकी तो अपर रेस्पिरेटरी का सिम्टम होता है या इसमें पेशेंट में डेवलप होता है। यह सिम्टम लगभग 5 से 7 दिन तक ही रहते हैं बॉडी में। उसके बाद अगर मैनेजमेंट हुआ सही ढंग से, मैनेजमेंट हुआ या मेरा बॉडी का इम्यूनिटी अगर सही रहा, तो 1 वीक के बाद यह जो वायरस का इफेक्ट है यह घटने लगता है। अगर मेरा इम्यूनिटी अगर अच्छा नहीं रहा, तो यह वायरस फिर निमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर क्रोनिक फ्रेंजाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें कोई सेकेंडरी बैक्टीरिया थ्रोट में आकर के अटैक करता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका जो डेथ रेट भी है ना, उतना नहीं है, बहुत माइल्ड है। डेथ रेट है लेकिन बहुत कम है, और जो भी सिम्टम होते हैं बहुत ज़्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं बन रहा है। हाँ, अगर बाय द वे 5 से 7 डेज में सिम्टम अगर बाय द वे आपका डिक्रीज हो रही है तब तो ठीक है, अगर बाय द वे सिम्टम अगर बढ़ते जा रहा हो तब इसमें हमें हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें कॉम्प्लिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। डायग्नोसिस में जैसे हम बताएं उसी ढंग से डायग्नोसिस होती है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात होती है, मैनेजमेंट सबसे मेन बात है कि हमें अपने इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। जिस तरह से इम्यूनिटी इम्प्रूव करें, प्रॉपर मास्क यूज करना है, जो पहले वाला जो COVID-19 का गाइडलाइंस था, सेम गाइडलाइंस इसमें भी है, इसमें कोई अंतर नहीं किया गया, गाइडलाइंस सेम है, सारे मैनेजमेंट एकदम सेम है। उसमें मास्क को इसमें भी यूज करना है, हैंड उसी तरह से वॉश करना है, सोशल डिस्टेंस उसी तरह से रखना है। अब अभी का जो मौसम, जो अभी दिसंबर जनवरी में जो ज़्यादा ये फैलने का थोड़ा कारण होता है कि कुछ ऐसे यहाँ पर फेस्टिवल अभी आ रहे हैं, अब जैसे अब क्रिसमस डे हुआ या फिर 1 जनवरी हुआ, जिसमें काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। अब जो इकट्ठा होते हैं तो ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलेंगे,
तो अभी थोड़ा स्प्रेड होने की चांस बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें क्या चाहिए कि उसमें मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो जो पहले वाला जो गाइडलाइन था उसी गाइडलाइन पे हम लोग को चलना है। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, प्रॉपर वार्म वाटर ही यूज करना है अभी, और गर्गलिंग भी करना है, और प्लस नोज को प्रॉपरली वॉश करना है डेली इवनिंग के समय सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन या फिर वार्म वाटर से उसको हम लोग वॉश करते हैं। और बाकी जो इसमें ट्रीटमेंट जो होता है ना सेम पहले की जैसा ही इसमें होता है ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फीवर है तो हम लोग एंटीबायोटिक डाल देते हैं, मसल्स पेन है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज करते हैं, और बाकी जैसा कोई सिम्टम मिल रहा हो उसके अनुसार इसमें ट्रीटमेंट होती है। पार्टिकुलर कोई मेडिसिन तो नहीं है। एक लास्ट में सवाल आया कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं क्या उन लोगों को भी यह डिजीज डेवलप करेगा? बिल्कुल होगा। क्यों बिल्कुल होगा? क्योंकि वह जो वैक्सीन लिए जो हम लोग लिए हुए हैं वह दूसरे वेरियंट का वैक्सीन है, और ये जो वायरस है ना ये दूसरा वेरियंट है, इसलिए वह जो वैक्सीन है ना इस वायरस से प्रिवेंट नहीं करेगी क्योंकि वेरियंट अलग है। इसीलिए हम लोग को इसके बारे में जानकारी इसलिए होना जरूरत है कि हम लोग ये नहीं सोच लेते हैं कि वैक्सीन लिए हुए तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह प्रोटेक्शन दूसरे वायरस के लिए था। क्योंकि ये जो वायरस के जो ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना इसके बहुत सारे वेरियंट होते हैं, हैवी वेरियंट। और इसमें जब हम लोग मैनेजमेंट लास्ट बताएं कि बॉडी में अगर कोई मॉर्बिडिटी चेंज अगर आने लगता है तो हमें ज़्यादा सीरियस समझना चाहिए पेशेंट को, और 7 डेज के बाद अगर डिजीज प्रोग्रेस में अगर आ रही हो तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटलाइज करते हैं और इसमें हम लोग केयर करते हैं। तो सारी बात तो इस पर हो गया, और हम लोग को सबसे लास्ट में एक ही पॉइंट है कि अपने इम्यूनिटी को हम लोग को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ कब कब बचते रहेंगे और कहाँ कहाँ हम लोग वैक्सीन लेते रहेंगे। तो जब जब जरूरत पड़ता है तो हम लेते ही वैक्सीन है, लेकिन और इंटरनल प्रोटेक्शन सबसे बड़ा जरूरत होता है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।